चैनल गुहेन क्यारा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको हेयर के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप हेयर में क्या अप्लाई करेंगे, आपके बालों के ग्रोथ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे हर ब्लॉग में बने रहिएगा। एलोवेरा का एक लीफ है, ये मैंने अपने छत पे लगा रखा है। ये थोड़ा धूप से इसका कलर ऐसा डाउन सा हो गया, ये जल गया है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो ठीक है, अदरवाइज सबसे अच्छा आप या एक लीफ ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। इसका मैं जेल बनाऊंगी और अपने बालों में अप्लाई करूंगी। सबसे पहले मैं इसको कट कर लूंगी इस साइड से। इसको स्पून से आप इजीली निकाल सकते हैं, मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, इसको अप्लाई करेंगे हेयर पे। और इसके बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी क्या बेनिफिट हैं इसको अगर आप अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं तो आपको आपके बालों में क्या बेनिफिट मिलेगा। इसको आदमी भी लगा सकता है और लेडीज भी लगा सकती है, दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद है एकदम। और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आपको लीफ मिल जाती है इसकी तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जेल वगैरह मार्केट में मिल तो जाता है बट उसके अंदर मिलावट होता है। और ये आप अपने घर पे या आपके आसपास किसी से मिल जाए, या आप इसको लगा भी सकते हैं घर के अंदर, आप इसका पौधा लगा सकते हैं और ये ग्रो ही करेगा, इसके लिए बढ़ती चली जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर भी आप उसको एक बार लगा के जरूर देखिएगा। ये मैंने सब निकाल लिया है, ये देखिए। अब इसको मैं मिक्सी में डालूंगी और इसको ग्राइंड करके इसका, ये देखिए, इसको भी ग्राइंड करूंगी और एकदम से ये पतला बना दूंगी, एकदम स्मूथ हो जाएगा। मैं और आप देख सकते हैं, इसको मैं कटोरी में डाल रही हूँ। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर में। और एक ऑप्शन और है, इसको नारियल तेल में भी डाल के लगा सकते हैं। दोनों के बेनिफिट अलग अलग है। मैं अगर आप दूसरी वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगी कि नारियल के साथ एलोवेरा मिलाने पे क्या बेनिफिट है और ये अकेले में क्या बेनिफिट है। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि आप एक एलोवेरा लीफ ले लें, उसका जेल निकालें, उसको ग्राइंड करें और उसका ऐसे पतला सा पेस्ट बना लें। आप अप्लाई करेंगे इसको मैं हेयर पे। सबसे पहले बालों में जेल अप्लाई करने के लिए अपने हेयर पे आप कॉम करिए। कॉम करने के बाद आपको, आप उसे कॉटन से भी या अपने हाथ से भी, अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिंगर से ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, त्रायक साइड में सो रहा है, वो उठ ना जाए, इसलिए मैं फटाफट फिंगर से कर रही हूँ। आप कॉटन से भी कर सकते हैं या अपने आप भी कर सकते हैं या किसी से आप अपने हेयर पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इसको अपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करें और पूरे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप एलोवेरा जेल अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो आपके बाल एकदम सिल्की रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। और आपके बालों में अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदेमंद यही है कि आपका हेयर फॉल ही रुक जाएगा। इसको अप्लाई करके पूरी ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और अगले दिन या अगर आप उसी दिन धोना चाहते हैं तो 2 घंटे तक लगा के भी छोड़ सकते हैं। मैं पूरी ओवरनाइट के लिए लगा के छोड़ देती हूँ। और अब मैंने लिया और उसको मैंने निकाल के मैंने बालों में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसको मैंने हफ्ते में 2 से 3 बार लगाया, पूरी ओवरनाइट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया।
और उसके बाद मैंने रिजल्ट देखा कि मेरे ईयर के पास काफ़ी और यहाँ पे आगे की तरफ पीछे की तरफ काफ़ी मेरे हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। और जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद मेरे काफ़ी हेयर लॉस हो चुके थे, मेरे बाल एकदम पूछ सी बन गई थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि बाल थोड़े कम है बट वो आ रहे हैं, तो आप एक बार उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे कहने से आपके बाल ज़रूर ग्रोथ करेंगे और ये आपको नुकसान तो करेगा नहीं, हमेशा आयुर्वेदिक चीज़ आपको फ़ायदा ही करेगी। आप एक बार उसको अप्लाई करके ज़रूर देखना अपने हेयर पे।